सामान्य रूप से चलने फिरने में अक्षम लोगों के आत्मसम्मान और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए स्वयं संगठन ने नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ सुगम्य पारिवारिक शौचालय के लिए एक विशेष किस्म की साझेदारी की है। इस साझेदारी के ऐलान को लेकर स्वयं की संस्थापक अध्यक्ष स्मिनू जिंदल इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सामान्य रूप से चलने फिरने में अक्षम लोगों की चुनौतियों को लेकर अभिगम्यता जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता सप्ताह को भी लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी से शौचालय को लेकर प्रभावी ढंग से परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य किया जा सकेगा, जिससे भारत में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना संभव हो सकेगा। बेसिकली ये एक्सेसिबिलिटी के बारे में है और सैनिटेशन दो चीज़ों के बारे में है। तो एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत सभी लोगों को पड़ती है, छोटे बच्चों को भी पड़ती है, बुज़ुर्गों को भी पड़ती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी पड़ती है, और जो व्हीलचेयर पे हैं या जो विजुअली चैलेंज्ड हैं या हियरिंग चैलेंज्ड हैं, तो सबको अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है। तो ये जो पूरा कैंपेन है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट की है, जनरल पब्लिक बिल्डिंग्स को यूज़ करने की हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की हैं या टॉयलेट यूज़ करने की हैं, तो सभी के बारे में इस तरह के कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जब हम दिव्यांग के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसमें सरकार का और एनजीओज और जो कॉरपोरेट की फाउंडेशंस हैं और जो पैशनेट इंडिविजुअल्स हैं, सबके मिलजुल के ही आगे बढ़ने से काम होता है। ना अकेली सरकार कर सकती है, ना अकेले एनजीओ कर सकते हैं, ना अकेले पेरेंट एसोसिएशंस कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक सामाजिक संगठन के तौर पर स्वयं 2 दशक से भी ज़्यादा समय से सामान्य रूप से चलने फिरने में अक्षम लोगों के मान सम्मान और सर्वसमावेशी वातावरण के निर्माण पर जोर देता रहा है। सुगम्य पारिवारिक शौचालय के माध्यम से स्वयं ने पिछले 4 सालों में भारत के कई राज्यों में लोगों को जागरूक करने का काम किया है। सुगम्य पारिवारिक शौचालय की संस्थापक अध्यक्ष और जिंदल लिमिटेड की प्रबंध निदेशक स्मिनू जिंदल ने इस अवसर पर कहा कि सुगम्य पारिवारिक शौचालय हर किसी का निजी अधिकार है। उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि अगले साल 27 मार्च को वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी डे के तौर पर मनाया जाए, कि लोग सुगम्य पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए अपनी बचत में से और गैर सब्सिडी लोन से प्राप्त पैसे खर्च करने में तनक भी विचार ना करें। ये जो पहल हुई है, जहाँ पे एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट एक लोन के रूप में जनता को ऑफर होएगा, स्पेशली रूरल इंडिया को जो गांव भर में है, वो इस लोन्स के माध्यम से अपने अपने घरों में एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट बनवा पाएंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी और आसान, बेहतर, डिग्निफाइड और सेफ हो जाएगी। इसके लिए सभी लोग को बहुत फ़ायदा है, खाली सिर्फ दिव्यांगजनों को ही नहीं, बढ़ती उम्र या प्रेग्नेंट वेमेन या छोटे बच्चे, किसी को भी इसकी पूरा फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि स्वयं की पहचान देश के एक अग्रणी सुगम्य संगठन के तौर पर होती है। एक संगठन का मकसद सामान्य तौर पर चलने फिरने में अक्षम लोगों के सामाजिक योगदान को रेखांकित करना और ऐसे लोगों के प्रति जन सामान्य की मानसिकता में बदलाव लाना है। सुगम्य यानी सर्वसमावेशी माहौल मुहैया कराने से दिव्यांग लोगों को अपनी शारीरिक अक्षमता के परे अपने अधिकारों को पूरी आज़ादी के साथ इस्तेमाल करने का एहसास होता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।